पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। ठीक है, उससे पहले मैं यार बात बोल दूँ आपको कि आपने जो कल आंसर दिया था मेंडियस रिएक्शन एकदम सही सही आंसर है आपका। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था तो इससे मुझे खुशी हुई, काफ़ी लोगों ने ट्राई किया उस क्वेश्चन को करने का। और आज भी इस तरह आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इस टॉपिक के अंतिम में, उसको भी आपको आंसर करना है और उससे साथ एक और कमेंट करना आपको कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, आपको कितना लगता है, कितना स्कोर लगता है कि आप कर दीजिएगा नीट में, वो भी आप एक्सपेक्टेड स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, मैं जल्दी, मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो जो पहला ये अपना ये अल्कोहल के प्रिपरेशन का मेथड है, देखिए अल्कोहल के प्रिपरेशन का मेथड में पहला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो नाम से क्लियर है कि इसमें बोरोन का यूटिलाइजेशन होगा। बोरोन हम जानते हैं, बोरोन कितना बोरोन बनाता है, 3 बोरोन बनाता है। देखिए तो पहले B2S6 के साथ किसी भी एल्किन का रिएक्शन होता है तो पहले बनता है बोरोन के साथ, जो हाइड्रोजन है 3 हट जाएंगे और साथ में इसका जो अल्केन फॉर्म होगा, मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर CH3CHCH2 का होल थ्राइस बोरोन जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद H2O2 डालना है, उसके बाद ये बोरोन हट जाएगा और तब ये अल्कोहल बनेगा। इसका एक बहुत लंबा मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म, लेकिन टाइम नहीं है अपन के पास तो डिस्कस नहीं करेंगे उसको, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, अल्किन आए, यदि डाइबोरन दिया है, डाइबोरन यानी कि B2S6 दिया है तो पहले क्या कीजिए CH3CH2CH जो भी दिया हो का होल थ्राइस करके बी के साथ जोड़िए और फिर H2O2 का अटैक कराइए और फिर अल्कोहल बनाइएगा। ये डबल स्टेप रिएक्शन होगा, ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप इसका मैकेनिज्म NCERT में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, अभी याद रखना ही काम का होगा। अब देखिए कल अपन जो पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसका कितना यूटिलाइजेशन इस चैप्टर में भी आपको दिखेगा। देखिए ये क्या दिया है, अल्डिहाइड का रिडक्शन करा रहे हैं, H2PD याद कीजिए, H2PD सबको रिडक्शन करता था। इसमें नाइट्रोजन नहीं है इसलिए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। NaBH4 याद कीजिए, NaBH4 मात्र 3 का ही रिडक्शन करता था, याद कीजिए, अल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड हैलाइड। तो यहाँ क्या है, कीटोन है तो यानी कि रिडक्शन कर देगा, यानी कि ये भी क्या बना देगा, OH जुड़ जाएगा यहाँ पर, HB जुड़ेगा। ठीक है, जोड़ दीजिएगा H। फिर देखिए फिर एसिड है, एसिड के सामने क्या, LiLH4H2O। LiLH4 क्या करता था, सबका रिडक्शन करता था बस अल्किन और अल्काइन को छोड़कर। तो ये क्या करेगा, एसिड किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैंने 3 रिडक्शन कितने आसानी से कर लिए उसी ट्रिक से। लेकिन जो ये मेथड है, ये लास्ट वाला मेथड, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है क्योंकि LiLH4 दो दो मेटल खरीदना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम जो कि कॉस्टली मिलता है, इसलिए ये प्रोसेस जनरल यूटिलाइजेशन नहीं होता है अल्कोहल के प्रिपरेशन में। तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में पहले क्या करते हैं हम लोग, एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एस्टरीफिकेशन। तो पहले एस्टरीफिकेशन करके हम एस्टर बनाते हैं, उस एस्टर को फिर हम हाइड्रोजन कैटलिस्ट से रिएक्शन कराते हैं, तब क्या बन जाएगा अपना, अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पहले क्या कि हम अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन कराएं और क्या बना, अपना एस्टर बना, उस एस्टर का क्या कराएं हम, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैटलिस्ट के साथ उसका रिडक्शन करा दिए, तो एस्टर का रिडक्शन करके क्या हो जाएगा, एस्टर अल्कोहल बना देगा। क्लियर, तो ये हो गया सिंपल। फिर आते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन। तो देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन कितना आसान है, यदि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रिंसिपल याद होगा कल का तो आसानी से कर सकते हैं, एक ही नया रिएक्शन है यहाँ पर आपके लिए। फिर आते हैं फिनॉल में, अच्छा एक छूट गया, ये RMGX में भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने जो ग्रिग्नार्डियन का जो वीडियो अपलोड किया उसे ज़रूर देखें, दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। यदि आप एक बार ग्रिग्नार्डियन का वो वीडियो देख लेते हो तो ग्रिग्नार्डियन का कहीं भी कोई भी रिएक्शन आ जाए आप फंसेगा नहीं वहाँ। देख लेते हैं यहाँ पर RMGX है, हमेशा क्या होता है ग्रिग्नार्डियन में R- अलग होता है, MGX अलग होगा। R- क्या करेगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव। R- क्या करेगा, अटैक करेगा डेल्टा पॉजिटिव पर, जिसके कारण क्या होगा, ये बॉन्ड खुलेगा, ये बॉन्ड खुलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बता दो, तो CO- और यहाँ R जुड़ गया हुआ और यहाँ पर क्या होगा, फिर H+ जाकर जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो गया, ये भी अल्कोहल बन गया, अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड हो गया। इसका डिटेल मैकेनिज्म देख सकते हैं आप RMGX वाले वीडियो में, तो ये भी अल्कोहल बना देगा। अब आते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन में, देखिए फिनॉल के प्रिपरेशन में पहला क्या है, ये है एराइल हैलाइड NaOH के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए देख पा रहे हैं यहाँ पे हम 623 केल्विन रखे हैं, 623 केल्विन रखने पर क्या होता है, ये OH चक्र अटैक करता है यहाँ पर और Cl को हटाता है, तो ये बनता है आपका OH, लेकिन प्लस Na है तो Na जाकर जुड़ जाता है, H को हटा देता है, तो क्या बन जाता है, ONa। फिर से हम HCl देते हैं तब ये H+ क्या करता है, जुड़ता है यहाँ पर और NaCl के साथ जुड़कर NaCl बना देता है। यानी कि पूरा क्या हुआ, पहले था एराइल हैलाइड, NaOH के प्रेजेंस में OH अटैक किया, Cl लीव किया तो OH जुड़ा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ Na है तो Na क्या करता है, H को हटाकर ONa बना लेता है, लेकिन फिर HCl डाल देते हैं तो Na को आप Cl के साथ मिल सकता है, Na को अब Cl के साथ मिल सकता है, इसलिए Na क्या करता है, Cl के पास चला जाएगा, तो अब H+ को फिर से मौका मिल गया O- के पास आने का, तो OH बन गया, तो फिनॉल बन गया। क्लियर हो रहा कुछ,
यानी कि जो एराइल हैलाइड वो किस में कन्वर्ट हो गया अपना फिनॉल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ NaOH सिंपल और HCl। फिर ये अपना बेंजीन, बेंजीन से ओलियम का रिएक्शन कराते, ओलियम बोले तो H2O7 होता है शायद, ठीक है, तो ये ओलियम से रिएक्शन कराते तो बनता है यहाँ पर SO3H जुड़ता है, क्या जुड़ेगा SO3H। फिर इसका NaOH और H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा अपना फिनॉल बन जाएगा। मतलब आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं, ये कुछ भी जुड़ा रहे ऊपर, ऊपर कुछ भी है, आप NaOH और H+ के रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा OH मिल जाएगा, मतलब फिनॉल मिल जाएगा। आप यहाँ भी देख पा रहे हैं, यहाँ Cl जुड़ा था ऊपर, NaOH और H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या बन रहा है इससे फिनॉल ही तो बन रहा है ना। यहाँ भी देखिए ये ऊपर जुड़ा हुआ ग्रुप है, NaOH और H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बन रहा है इनडायरेक्टली फिनॉल ही तो बन रहा है। तो आप आसानी से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं खुद से भी कि फिनॉल बनाने वाला। फिर आते हैं क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन ये मैंने कितने बार बोला हूँ आपको, देखिए ये एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन यदि NaNO2HCl के साथ हो रहा है तो क्या बनता था बोलिए, बहुत बार मैंने कराया है N2Cl फिर H2O, ऐसे वाले में क्या होता था कि निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, H+ अलग OH- अलग, निगेटिव पार्ट OH- है तो OH- जुड़ेगा और ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा अपना। ये रिएक्शन मैं बहुत बार करा चुका हूँ, ये निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट वाला, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या क्या था, इसका एक्सेप्शन क्या क्या था वो वक्त बताना है। ये क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या कि इस रिएक्शन में जो ट्रिक अपने अपन लेते थे कि जो रिएजेंट दिया उसको निगेटिव और पॉजिटिव में ब्रेक करना है और निगेटिव पार्ट को जोड़ना है बेंजीन के ऊपर, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थे जिसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड होता था, वो दोनों एक्सेप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आइए अब आगे चलते हैं, इससे पहले इसको हम इधर वाले को हटाते हैं ताकि आगे समझाने में सही रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्या, क्यूमिन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं, क्यूमिन है ये लाइन डायग्राम है, ठीक है, क्यूमिन को ऑक्सीडेशन कराइएगा उसका O2 के प्रेजेंस में तो क्या होता है, पहले ये हाइपरऑक्साइड बनाता है, यानी देखिए पहले ऐसे था CH3, अब क्या होगा ये हाइपरऑक्साइड बनाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ OH जुड़ जाता है, हाइपरऑक्साइड परऑक्साइड है ना, ठीक है, तो ये हाइपरऑक्साइड बना लिया क्यूमिन हाइपरऑक्साइड। उसके बाद फिर H3O के प्रेजेंस में करें रिएक्शन, जब H+ डालते हैं तो फिर क्या होता है ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ना ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और ये कीटोन बना देगा। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे हम, NCERT में दिया भी नहीं है, इसको याद करने का तरीका क्या है ध्यान सुनिएगा, जब भी क्यूमिन है आपके पास आपको एक ही काम करना है, नीचे वाले को फिनॉल बना दे, ठीक है, नीचे वाले को फिनॉल बना दे, ऊपर वाले को कीटोन बना दे। जब भी क्यूमिन का रिएक्शन आए तो आपको एक ही लाइन याद रखना है, क्या, नीचे वाले को फिनॉल बना दो, ऊपर वाले को कीटोन बना दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊपर वाला था इसको हमने क्या बना दिया, कीटोन बना दिया, नीचे वाले को क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। तो क्यूमिन के लिए एक ही लाइन याद रखना, क्या, ऊपर वाले को कीटोन बना दो, नीचे वाले को फिनॉल बना दो, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। आगे आते हैं रिएक्शन सफल कॉल, ये फिनॉल का प्रिपरेशन खत्म हो गया अपना, रिएक्शन सफल कॉल आते हैं, देखिए ये अल्कोहल का ये H और ये Na, तो H+ छोड़ देगा ये O- होगा और Na+ बनेगा तो ये जाके इससे चिपक जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही डिस्कस किया था हमने, जब तक Na को कोई और साथी नहीं मिलता तब तक Na किसके साथ चिपका रहेगा, O- के साथ चिपका रहेगा। फिर से जब तक Na को कोई और साथी नहीं मिलता है तब तक Na किसके साथ चिपका रहेगा, O- के साथ चिपका रहेगा, तो क्या बन गया अपना, यहाँ देखिए RONa बन गया, क्लियर। यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, इस L को जब तक कोई साथी नहीं मिलेगा L किसके साथ चिपकेगा, O के साथ चिपकेगा, लेकिन L का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +3, ठीक है, L+3 में एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा H+ हटेगा, तो ये AL+3 है, जबकि ये वाला पूरा कंपाउंड CH3 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 O- ये इसका चार्ज कितना है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा इसका होल थ्राइस एल, तो देखिए ये तो बन रहा है, मतलब जब तक AL को Na को कोई और साथी नहीं मिलता तब तक वो O- के साथ ही चिपका रहेगा। ये देखते हैं, देखिए यहाँ भी Na है, Na को कोई और साथी नहीं है तो Na क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा और H को हटा देगा तो फिर से O- Na हो गया। तो अपना जनरल कंसेप्ट वही चल रहा है, जब तक Na को कोई साथी नहीं मिले, कोई दूसरा साथी नहीं मिलेगा, जैसे Cl मिला था वहाँ पर, जब तक ऐसा नहीं होगा Na हमेशा O के साथ जुड़ा रहेगा, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा यहाँ पर अपन को। फिर आते हैं एस्पिरिन के प्रिपरेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, एस्पिरिन का प्रिपरेशन कैसे होगा, देखिए ये है सैलिसाइलिक एसिड जिसमें COH हो, बेंजीन और OH,
सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं इसको, इसका रिएक्शन करा रहे हैं इससे, इससे मतलब ये एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये अपना सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर लोन पेयर है, ये एस एन ए रिएक्शन देता है, यहाँ पर अटैक करता है, ये पूरा ग्रुप लीव करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस एन ए रिएक्शन, ठीक है। आप पढ़िएगा बाद में, वो अटैक करेगा, ये पूरा ग्रुप लीव कर देगा, ये लीव करेगा पूरा ग्रुप, ठीक है, ये पूरा ग्रुप लीव करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, ये सी ओ एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये भी एच लीव कर देगा, इस ओ के साथ इसका बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया अपना, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, एस्पिरिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, एस्पिरिन का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, ओ का लोन पेयर अटैक करता है, एस एन ए रिएक्शन कराता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस थ्रू एडिशन एंड एलिमिनेशन है, वो आप कंसेप्ट जब उसका पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए इसको कि एस्पिरिन का प्रिपरेशन कैसे करा रहे हैं हम सिंपली। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि सारे रिएक्शन एनसीईआरटी है। ये अल्कोहल का है, H2SO4, यदि 443 केल्विन रहे तब बनता आपका अल्कीन, ये याद रखना है आपको, 413 केल्विन हो तो बनता है आपका ईथर, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 443 केल्विन है हाई टेम्परेचर पर। देखिए जब भी हाई टेम्परेचर होता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल होता है, इसी कारण से एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर 443 केल्विन पर, इसलिए अल्कीन बनता है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जनरली अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये अल्कीन बनाना, जबकि लो टेम्परेचर पर अल्कीन नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ईथर बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना, लो टेम्परेचर पर ईथर बनेगा और हाई टेम्परेचर पर अल्कीन बनेगा, तो आपको ये टेम्परेचर के साथ याद रखना है ये रिएक्शन को, क्योंकि ये रिएक्शन नीट में आ सकता है इस बार, ठीक है। तो इसको आपको टेम्परेचर के साथ रखना है, हाई टेम्परेचर पर अल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर पर ईथर बनेगा, गेटिंग। फिर आइए, यदि कोई एसिड है, यदि अल्कोहल है सामने, तो एसिड क्या रिलीज करता है, एच प्लस, और ये लोन पेयर है, जिस एच प्लस क्या करता है, इस लोन पेयर पर अटैक करता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, H2O प्लस बन जाएगा, उसका ये ग्रुप लीव करता है, उसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, उसके साथ डबल बना लेगा, ये मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म एक बार डिस्कस कर देता हूँ, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो H प्लस था, इसके लोन पेयर से अटैक हुआ यहाँ पर, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, ये बन जाएगा, और चूंकि ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना चुका है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी अनस्टेबल, इसलिए क्या होता है, यहाँ से तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हट जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, अब कार्बन पर आ जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद क्या होता है, ये फिर ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी कि जब भी अल्कोहल का हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कहते हैं इसको, क्योंकि पानी निकल रहा है यहाँ पर आपको H2O के फॉर्म में, अल्कोहल का जब भी डिहाइड्रेशन होगा, हमेशा एसिड के प्रेजेंस में होता है, अल्कोहल का और भी कुछ कंपाउंड्स है जिनके प्रेजेंस में होता है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में क्या होता है, H2O बाहर निकलेगा और अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, याद रखना आपको, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है ऊपर वाला एकदम अलग है, इसको आप अलग से याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप अलग से याद रखिए। देखिए यहाँ पर भी जो एसिड है, एसिड के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन तो ही रहा है, तभी तो अल्कीन बन रहा है, लेकिन इस वाले में डिहाइड्रेशन नहीं हो पाता, इस वाले में ईथर बनता है, क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं यदि आपको टाइम है तो, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, हाई टेम्परेचर पर अल्कीन बनेगा, लो टेम्परेचर पर आपका ईथर बनेगा। चलिए अब अगला आते हैं हम लोग, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कल का वीडियो रिवाइज किए या कल का वीडियो देखे हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपसे चाहिए हमको, ये भी कमेंट बॉक्स में होना चाहिए आंसर, क्यों, क्योंकि मैंने कल डिस्कस किया था, हिंट दे देता थोड़ा सा, कॉपर 300, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इस बार नीट जो था 2017 सॉरी उसमें आया था कॉपर 573 केल्विन का, यही रिएक्शन आया था, ठीक है, सेकेंड वाला। अब क्या था कि क्लासेस में जो कोटा में होते थे उसमें क्या होता था कि कॉपर 300 सर लिखाते थे हमेशा, इसलिए मैंने भी याद कीजिए कल आपको कॉपर 300 नाम से डिस्कस किया था रिएक्शन, वहाँ पर आ गया क्वेश्चन में एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है कॉपर 573 केल्विन आ गया, तो एनसीईआरटी का ही कॉपी होता है नीट में क्वेश्चन, तो नीट वाला कॉपर 573 केल्विन दे दिया। अब आधे लोग समझ नहीं पाए कॉपर 573 केल्विन क्या है, जबकि वो तो पर के आ चुके थे कॉपर 300 सेंटीग्रेड, तो उनको समझ में नहीं आया कि टेम्परेचर बढ़ा क्यों दिया, उनको दिमाग था 300 573, ये यूनिट ध्यान था ही नहीं, तो प्रोडक्ट नहीं बना पाए थे। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये कॉपर 300 सेंटीग्रेड में था, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इन तीनों का आंसर बताना क्या होगा, क्योंकि कल मैंने डिस्कस किया था वीडियोज़ में अपने रिडक्शन वाले में।
और ट्रिक भी दिया था इसके साथ में याद करने का, तो आप बताइएगा। फिर आते हैं कुछ ESR रिएक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं हम। ये फिनॉल अपना फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट है। डाइल्यूट HNO3 का मतलब HNO3 का अमाउंट कम है, इसलिए क्या होगा, देखिए पहले तो HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, NO2+। HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा NO2+, वही इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा और यहाँ अटैक करेगा और थोड़ा पारा पर अटैक करेगा, क्योंकि ये जो है वो एक्टिवेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर आ रहा है, ऑर्थो एंड पारा पर, तो यहाँ पर अटैक किया और यहाँ पर अटैक किया। लेकिन मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनता है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो सकता है और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है जो ये कंपाउंड दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है, दिख रहा है आप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर अभी इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है एटलीस्ट, गेटिंग। इसलिए आपको एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा, ये बताना आपको, ठीक है। जब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अपना, मैं अंतिम क्वेश्चन को एक बार लिख भी दूंगा, एक बार साइड में लिख देता हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था अपना, पहला क्वेश्चन इधर था दिया था मैंने, वो आपको बताना है। सेकेंड ये वाला बताना है और थर्ड यहाँ ये वाला बताना है आपको। देखिए तो ये जो रेजोनेंस कर रहा है ऑर्थो और पारा पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए NO2 पारा और ऑर्थो पर अटैक करेगा। लेकिन आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ N और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये वाला जो ग्रुप है पैरानाइट्रोफिनॉल कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये क्या करेगा, ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब ऐसा ही मॉलिक्यूल यदि उसके पास में दूसरा है तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि ये उससे नहीं कर सकता, जबकि ये क्या करेगा, ये पास वाले के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। और जब जब देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब तक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू इससे, इसलिए दोनों को हम, यदि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो दोनों को सेपरेट करने का मेथड क्या होगा अपना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये भी नीट में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आप तो पूछिए। देखिए ध्यान से, अभी क्या कर रहे थे हम लोग, डाइल्यूट HNO3 था, अब आ गया है कंसनट्रेटेड HNO3। माइंड इट, कंसनट्रेटेड आ गया, यानी कि HNO3 का कंसनट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। यदि कि यानी कि देखिए HNO3 यदि ज़्यादा है तो मेरे पास NO2+ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि NO2+ हर जगह अटैक करेगा, दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पर, क्योंकि दो ऑर्थो पोजिशन होते हैं एक पैरा, तो देखिए तीनों जगह अटैक किए। यही डिफरेंस करना है आपको, क्वेश्चन में से आता है कंसनट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूट HNO3, क्वेश्चन में ये दोनों आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया। कंसनट्रेटेड पूछा गया तो तीन जगह NO2 लगाना है, डाइल्यूट पूछा गया तो आपको एक ही जगह NO2 लगाना है। और हमने कंसेप्ट बता दिया, कंसनट्रेटेड मतलब HNO3 कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यदि HNO3 कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रोफाइल यदि NO2+ का भी कंसनट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि डाइल्यूट HNO3 में क्या, डाइल्यूट है यानी कि HNO3 कंसनट्रेशन कम, पानी ज़्यादा है तो HNO3 का कम तो NO2+ भी कम, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन NCRT के हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो कंपाउंड बना है ना, तीन NO2 जोड़कर, ये कहलाता है पिक्रिक एसिड, ये अपना नाम काफ़ी सुने होंगे, पिक्रिक एसिड यही है पिक्रिक एसिड, और पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड भी यही पर है। अगला है कि अपन, अगला भी उसी टाइप का रिएक्शन है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर Br2CS2 है जबकि यहाँ पर Br2S2 है, तो जो Br2CS2 ये CS2 है नॉन पोलर मीडियम है, तो नॉन पोलर मीडियम में आयनाइजेशन क्या होता है, कम होता है, नॉन पोलर मीडियम में आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा, आयनाइजेशन कम होगा तो Br+ जो अपना इलेक्ट्रोफाइल है वो कम बनेगा तो अटैक भी कम होगा, तो यानी कि अटैक एक ही जगह पर होगा, या ऑर्थो या पैरा, दोनों जगह पर होगा, कुछ ऑर्थो कुछ पैरा, लेकिन एक ही Br एक बार में अटैक करेगा। जबकि Br2S2O है, तो S2O है तो मीडियम कैसा हो गया, पोलर मीडियम है, तो Br+ का फॉर्मेशन जो एक अपना इलेक्ट्रोफाइल हो क्या होगा, ज़्यादा, तो ये तीनों पर अटैक करेगा, ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर। तो अपना कंसेप्ट यही है बेसिकली, कम है ज़्यादा है, या मीडियम आयनाइजेशन करने वाला है या नॉन आयनाइजेशन वाला है, ठीक है। फिर देखते हैं अपना अगला, देखिए ये फिनॉल और जिंक, तो देखिए जिंक दुष्ट आएगा OH को ले जाएगा, क्या मैंने बोला, जिंक दुष्ट आएगा OH को ले जाएगा, क्योंकि ZN का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है ZNO बनाने का, ठीक है। तो जिंक दुष्ट आता है, यानी कि जिंक डस्ट है यहाँ पर, जिंक डस्ट, तो उसको मैंने ऐसे याद रखा था, जिंक दुष्ट आएगा OH को ले जाएगा,
ठीक है। बेसिकली क्या ये फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ है, जिंक डस्ट के साथ है, तो क्या बन जाएगा, ओए चला जाएगा तो बेंजीन बच जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आ सकता है नीट में, ठीक है। ये कभी भी फिनॉल का यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7 इन द H2SO4, ये आपको टेस्ट में भी काफ़ी बार आया होगा, आप जितने भी टेस्ट दिए होंगे उसमें भी पूछा गया होगा। फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ यदि हो तो बनता है बेंजो क्यूनोन। क्या बनेगा, डेट इज बेंजो क्यूनोन। क्या बनेगा, बेंजो क्यूनोन, कब, जब Na2Cr2O7 H2SO4 के साथ रिएक्शन हो फिनॉल का, तो क्या बनेगा, बेंजो क्यूनोन। ये आपको ध्यान है, बेंजो क्यूनोन बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जा सकता है। फिर ये आपकी इनऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे आप, CO+H2, दैट इज, अच्छा इस गैस का नाम बताइए, गैस का नाम कल मैंने डिस्कस किया था, इसका कॉमन नेम बताना है आपको, ये अगला क्वेश्चन है ये आपके लिए। CO+H2 मैंने कल डिस्कस किया था, इसका आपको कॉमन नेम बताना है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट CO+H2। इसका रिएक्शन कराते हैं ZnO(CR2O3) के प्रेजेंस में, तो अपना मिथेनॉल बनता है। क्या बनता है, मिथेनॉल। इसलिए मिथेनॉल का प्रिपरेशन का ये मेथड है कि ZnO(CR2O3) के प्रेजेंस में यदि हम CO+H2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, आपको मिथेनॉल मिलेगा, ठीक है। ये मिथेनॉल का प्रिपरेटरी मेथड है, तो आपको इसका ध्यान रखना हमेशा। CO+H2 का ZnO(CR2O3) के बीच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3OH, ठीक है भाई। सुक्रोज में यदि इन्वर्टेड एंजाइम डालते हो तो क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है, ये पता है आपको, दिक्कत नहीं है। फिर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कैसे करते हैं, ये NCERT में दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पायरीडीन डालते हैं जो कि अल्कोहल में एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस कर देगा, और CuSO4 डालते हैं जो कि कलर चेंज कर देगा अल्कोहल का, तो अल्कोहल पीने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि कलर भी खराब कर देगा। कलर खराब कौन करेगा, CuSO4। स्मेल उसमें कौन कर देगा, पायरीडीन जिससे कि वो अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं होगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कर दिया, ठीक है। तो इतना था अल्कोहल वाले पार्ट में, अभी एक पार्ट और भी होगा उसका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप इसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और एक पता और जितने क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उनको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने स्कोर्स कितना आपको एक्सपेक्टेड लग रहा है वो भी दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।